तो कैसे हैं आप लोग? आ गए बहन चुप। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, ये एक कधों की रेस है जिसमें सुअर दौड़ते हैं और इस रेस का संचालक है बिग बॉस। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नादान परिंदों को पकड़ लिया गया है और उन्हें बोल दिया लो। तेरी प्रॉब्लम है ना, एटीट्यूड दिखा रहा है। अरे भाई हो गया ना तेरा वोट, तेरा कोई मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा तुम खराब है। 740 लोग बोल रहे हैं, इसे लड़ना नहीं ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जो लोग बिग बॉस को फॉलो करते हैं ना, मुझे नहीं पता तुम धरती के कौन से तत्व से बने हो, लेकिन एक बात पक्की, तुम साले अकेले मरोगे। खैर, अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी पक्षोदी के। हमारे पहले प्रतियोगी है बिग बॉस में आने के लिए खुद पर कंट्रोवर्सीज क्रिएट की। दर्द में टाके लगे हुए मुंह में, खड़ी लेकिन एक सेकंड टाके लगे हुए मुंह में। चंद्रिका, आप साबुन से हाथ धोकर वड़ा पाव बनाया करे, आपका टट्टी वाला वड़ा पाव खाकर लोगों के पेट खराब हो जाती है हर छोटी छोटी बात पे। ले। अब तूने हक दिया इतनी सी बात की, पागल औरत। अब तूने प्रूव करने के लिए के साथ किया मिसबिहेव। निगम पार्षद के पास गए, निगम पार्षद, निगम पार्षद मैडम पीछे हो जाइए। किसने तो वॉशरूम यूज किया था, ढंग से फ्लश भी नहीं किया है, कौन जंगली लोगों का कसम से यार। चंद्रिका जी, ये आपका वड़ा पाव का ठेला नहीं है जहां आप हक कर साफ भी ना करें, ये बिग बॉस के घर का टॉयलेट है। वैसे देखकर व्लॉगर्स से वीडियो बनवाते हैं, हराम की कमाई नहीं आ रही है मेरे पास। नंबर दो पे एक और लड़की जिसको लगता है वो स्पेशल है, और लोड़ी सी थूत की, ये मेरी कौन है जिसने मुझे पीछे मुड़के नहीं देखा। ये एटीट्यूड ना 2004 में मर गया था, तुम क्यों जिंदा हो? और इसका पैशन पता क्या है? टॉप में 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। अच्छा हाँ, फेम तो मिल ही जाता है, कोई कदर ही नहीं है ना। फिर ये कहते कि हमने स्ट्रगल किया, करण जौहर लौड़ा लसन, फायदा हो रहा है। कभी ये खबर आई है, बिग बॉस से निकले प्रतियोगी शाहरुख खान के साथ मिली पिक्चर, या बिग बॉस से निकले प्रतियोगी BTS में मिला दाखिला? नहीं। हाय गाइस, चेक आउट माय न्यू म्यूजिक वीडियो, पिक्चर सीरीज में 25 भांग भोसड़े जो से प्रमोट कर रहे, बस खत्म, दी एंड, बर्फ पड़ गई बहन चोर। मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल, मुझे जोड़ना मत सिखा, मुझे छोड़ना मत सिखा, तेरे लिए मैंने जीना छोड़ा। फिर अगले साल फिर बिग बॉस, यही साइकिल रिपीट होती रहेगी जब तक बिग बॉस हमें नहीं चूस लेता है, ये बिग बॉस को नहीं चूस लेते। वरना ऐसे तो मैं भी चले जाता, पर मेरी इंस्पिरेशन टोनी कक्कर की वीडियो में आना नहीं है, बहुत ऑप्शन है, कोई पंजाबी लेवल चूस लूंगा। खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी पक्षोदी के। हमारे दूसरे सेलेब्रिटी स्किपी है जाना, इसके पास पर्सनालिटी के नाम पे तो नेटफ्लिक्स अकाउंट है जो पापा के कार्ड पे चल रहे हैं, इसके बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट है, पर उसमें यूं मेरी बीविया बीवी नंबर एक बीवी नंबर, अरे यार एक तो तुम्हारी इतनी कंफ्यूजन हो जाती, बीवी नंबर एक, ये बीवी नंबर दो। अरमान और उनकी दो बकरियां तो ऐसे लगता है यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। पैसन की ट्रिप चढ़वाता है, इसे कोई भी गेम खिला लो ये इतना खुश, दोनों टीमों से खेलेगा एजाज। अरमान ने मेरे सामने पात मारा था और उनके पात की स्मेल सुनकर मैं उनकी दीवानी हो गई। दो बच्चे होने के बाद भी आज तक उनके पात में वही लव और अट्रैक्शन है जो पहले थी। इसकी और कोरोना दोनों की एक ही दिक्कत है, लेता नहीं है कोई सीरियसली, लेकिन जान की जान में जान तब आती है जब जान की जान में मन बनती है, फिर जान कुछ नहीं जानता, मौसम वक्त होना हो चिपकने की कोशिश जम करेगा। शिवानी, आप इस घटिया इंसान अरमान मलिक से दूर रहिए, इसको तो हफ्ता भी पूरा नहीं लगता, ये हवस का पुजारी तो 6 दिन में ही वारदात डाल देता है। शाबाश, मैं एक साधारण चूतिया होता तो पूछता ये वीडियो क्यों है, पर मुझे दिक्कत है सालों ने क्लिकबेट किया है, बताया नहीं, साले बताते तो सही। तो ये तो रात का काम होता है, बोले दिन में भी कर सकते हैं, ऐसे किसने बोला रात का होता है, यहाँ पे लिखा थोड़ी है, एक तो केयर कर दियो, पहले समझाया कर यार। ये आपस में खेलते रहते हैं बैटबीन का बॉलबीन की, बाकी सब तो चूतों की तरह फील्डिंग कर रहे हैं, फालतू के मौके और करण की कॉफी सिर्फ इन्हें मिलती है, पूरा कमोड़ फेंक के मार देना लड़की के। ये बिग बॉस के एवेंजर्स इतने देसी हैं, इन्हें वायलेंस भी डोमेस्टिक ही पसंद है। अब बिग बॉस में हर लड़की कहती है तो ये तो रात का काम होता है, दिन में भी कर सकती है, ऐसे किसने बोला रात का होता है, यहाँ पे लिखा थोड़ी है,
बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे कि संग्राम जी आप अपनी दोनों बीवियों में से रात में ज्यादा टाइम किसको देते हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं एंचो थ्रीसम सुना है थ्रीसम। अरे देखिए आप, जब इस पे प्लस वन लिखा है तो दो जन को एंट्री कैसे दे दे? जब मेरी दो बीवियां हैं तो मैं प्लस वन कैसे करूं? इन लोगों को वेल्ड करवा दो, ये रोबोट थोड़ी है। तुम भी कुछ बोलो। हम कोई रोबोट थोड़ी है संग्राम जी के। इस हवसी अरमान ने एक को तलाक देकर दो दो साथ रखी हुई है। यही नहीं, इस दल्ले पर तो बलात्कार के आरोप भी लग चुके हैं। अब लड़कियां तो क्या, लड़के भी इस हवसी की वजह से सेफ फील नहीं करते, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। ओ सॉरी। सद ने पूछा क्या ही बाकी है के? मैंने पूछा क्या क्या बाकी है। हेलो, आज गजब हो गया, मेरे मेल में एक पॉर्न वीडियो आई है जिसका हीरो मैं हूँ। अच्छा, आप मुझे वीडियो फॉरवर्ड कर दो और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कहाँ डालनी है। अपनी कांड में डाल ले। अबे गधे, जिसने ये कांड किया उसे पकड़ जाके। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। देख ले मुर्गा लगो इनमें। क्या लगो? जो बना दो तुमने सो। क्या लगो? चिकन। मटन था? हाँ। तो बंदर दांत धोए ना, कोई धोता ही नहीं था। चिकन था, कह रहे मटन था। ना मेरी ड्यूटी थी ना मैंने धोया। मैं फिर कह रहा हूँ तमीज से बात करो मेरे साथ। भैया हम तुमसे गलत कब बोले? गलत तो तुम्हारी आवाज़ गलत कब बोले हम तुमसे? और धीमी आवाज़ में बात करो। हेलो, कहाँ तक पहुँची कहानी? आप टेंशन मत लो, मैं करवा रहा हूँ ना। फट गई है ना तुम्हारी? एक सिचुएशन हैंडल होती नहीं है, बात की एजेंसी हो तुम। और तू क्या करता है पूरा दिन? उस कुर्सी पे बैठ के फोन चाटता रहता है। क्या ही जिंदगी है तेरी? बाप का धंधा करना नहीं सोचा? स्टार्टअप खोलेंगे, इंस्पिरेशन बनेंगे भोसड़ी के। एक काम कर, तू नीचे से चालू कर। पहले कुत्ता संभाल, फिर खरगोश, चिड़िया। रख सके तो बंदर रख लियो, क्योंकि मैं तो रहने वाला हूँ नहीं।